नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होगा मनुष्य के जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। हिंदू धार्मिक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि पृथ्वी एक कारागार की तरह है, जिसमें व्यक्ति एक अपराधी के रूप में है, जहां उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, जो कि ईश्वरीय भक्ति के द्वारा ही संभव है, जिससे व्यक्ति को जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिल जाएगी तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मुस्लिम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान के अनुसार मानव जीवन के जन्म का उद्देश्य बताया गया है कि मनुष्य का निर्माण अल्लाह ने किया है और अल्लाह ही उनके जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उनके लिए जन्नत या नरक के दरवाजे खोलेगा। और अन्य धर्मों की धार्मिक पुस्तकों में भी ऐसी ही संबंधित बातें बताई गई है। तुम जब भी उद्देश्य की बात करते हो तो तुम्हारा अर्थ होता है कि कुछ पाना। कुछ पाने का भाव ये सिद्ध करता है कि किसी चीज की कमी है। यदि यह कमी भौतिक स्तर पर है तो इसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन यही कमी यदि मानसिक स्तर पर है तो इसे पूरा करना आसान कार्य नहीं होगा। यदि आप जीवित हैं तो कुछ कर्म तो कर रहे होंगे, और यदि उस कर्म का कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है तो वह कर्म एक अभिव्यक्ति बन जाता है। मैं अभिव्यक्ति को एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए एक छोटा बच्चा नाच रहा है तो वह किसी कर्म की पूर्णता को अर्जित करने के लिए नहीं नाच रहा, या फिर उसे इस चीज का कोई इनाम मिलेगा उसे परवाह नहीं है कि उसे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। वह अपनी आंतरिक पूर्णता की अभिव्यक्ति को पूरा करने के लिए नाच रहा है। जैसे ही तुम मन से जीवन के उद्देश्य की बात को निकाल देते हो, आपका जीवन पूरी तरह खुल जाता है। अगर मैं आपको सही मायने में बोलूं तो किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म का उद्देश्य नहीं पता है, और यह बात बड़े से बड़ा ज्ञानी तथा विभिन्न धार्मिक पुस्तकों के द्वारा भी सिद्ध नहीं की जा सकती कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। यदि आप भाई लोगों में से किसी को भी इससे ज़्यादा जानकारी पता है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी को शेयर कर सकता है। धन्यवाद।